यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और दिल्ली से चलकर देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए शहीद स्वाभिमान यात्रा के हमीरपुर पहुंचने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया और कहा कि स्वाभिमान यात्रा देश भर के लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान भाव को जागृत कर रही है। वहीं ये यात्रा शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मान सम्मान सहायक होगी। साथ ही यात्रा के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी ने कहा कि देश में भारत माँ के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की सबसे विशाल प्रतिमा की स्थापना करना उनका एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए इस यात्रा के माध्यम से हर राज्य से मिट्टी लाई जा रही है। इस दौरान देश की भावी पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये संगठन देश के उन वीर शहीदों के लिए है जहां राष्ट्र स्तर पर अलख जगाने का काम कर रहा है, जिन्होंने देश के शहीदों के प्रति लोगों को जागरूक करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। और जानकारी दी कि शहीद स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ 23 मार्च को इंडिया गेट से भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के प्रतिनिधि मेजर जनरल अशोक नरूला ने हरी झंडी दिखाकर किया था। और बताया ये कि 25,000 किलोमीटर की यात्रा कर 29 राज्यों से होकर वापस दिल्ली लौटेगी। 29 राज्य, 90 दिन और 25,000 किलोमीटर, आज हमें 81 दिन हो चुके हैं यात्रा को और कम से कम 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके 24वां राज्य हमारा हिमाचल हमीरपुर पहुँचे हैं। हमारी यात्रा का खाली एक ही मोटिव है, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है उन शहीदों को नमन करने के लिए निकली हमारी यात्रा। 25 जून को हमारी यात्रा का समापन दिल्ली में होगा, अपना मालवंकर हॉल में समापन इस यात्रा का होगा, जहाँ पे सारे शहीद परिवार को हमने बुलाया है, वहाँ पे उनको हम सम्मान करेंगे। वहाँ से हमने थोड़ी सी मिट्टी पवित्र मिट्टी भी ली, उस इस कलश में हमने वो मिट्टी को रख कर इसी कलश में जो मिट्टी हम इकट्ठी कर रहे हैं थोड़ी सी मिट्टी मिला के उस स्टैचू शहीद आजम भगत सिंह का हम बढ़ाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने शहादत दी है उनको हम ना भूलें, वो हमारे